पटेल सर और आप देख रहे हैं आई एनालिसिस में आपको खुशामदीद। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। यूं तो हर तरफ आजकल खबरों का बाजार गर्म है, जहां देखो खबरें ही खबरें हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, हर तरफ खबरों की भरमार है। ऐसे में मैंने सोचा कि क्यों ना चंद एक खबरों का इंतखाब किया जाए जो कि ग्लोबली ट्रेंड कर रही हों और फिर उसका एनालिसिस किया जाए, उन पर तबसरा किया जाए। अच्छा, इस सफर में आप मेरा साथ दे सकते हैं वो इस तरह कि हर प्रोग्राम के बाद अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय से आगाह करेंगे तो फिर हमारा साथ देर तक चलता रहेगा। देखते हैं आज खबरों में हमारे पास क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्मी चीफ की तायुनाती की। आर्मी चीफ की तायुनाती एक बड़ा तनाजा सा बन गया था। हर बंदा, हर कोई उस पर बात कर रहा था, चाहे कोई भी हो, छोटे बड़े, हर एक के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन था और हर कोई उस पर बात कर रहा था कि किसका इंतखाब होगा, कौन आएगा, क्या होगा, कब अनाउंस होगा, अनाउंस टाइमली होगा या नहीं होगा, बाजवा साहब की एक्सटेंशन हो जाएगी या नहीं होगी। उन्होंने खैर अपनी ऐलान कर दिया था कि वो जा रहे हैं, वो रुक नहीं रहे, एक्सटेंड नहीं कर रहे अपना स्टे, लेकिन फिर भी हर एक शशोपंच में मुब्तला था कि क्या होगा। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह कि ये तायुनाती का मसला हल हो गया और जनरल आसिम मुनीर अहमद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुंतखब हो गए और लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद चेयरमैन ऑफ द जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी मुंतखब हुए। अब 29 नवंबर को जनरल बाजवा की अलविदाई तकरीब हो जाएगी और ये इनके लिए एक नया संगे मील शुरू हो जाए, एक नया सफर शुरू हो जाएगा। अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपनी रंजिशों को भुलाकर अवाम की बहबूद के लिए और पाकिस्तान की बका के लिए एक तरह एक साथ जुड़कर एक प्लेटफॉर्म पे आकर खड़े हो जाएं और इस मसले का हल निकाले, जिससे हम दो मसलों से नबरद आजमा है इस वक्त। एक तो सबसे बड़ा है माशी बहरान। पाकिस्तान जो है डिफॉल्ट की तरफ खुदा ना खास्ता जा सकता है और दूसरा है कि जो सैलाब की तबाहकारियाँ हैं जिससे हमें बाहर निकलते निकलते बहुत वक्त लगेगा। ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमारे लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा हमारा अहम मसला है। अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी रंजिशों को भुलाकर एक होकर इन सब के लिए, इन दोनों मसलों के लिए मिलकर काम करें तो हमें उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह इस बहरान से निकल आएंगे, क्योंकि हमने बड़े बड़े बहरानों का सामना किया है और हम बड़े बड़े बहरानों से निकले हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। दूसरी बात है हकीकी आज़ादी मार्च। दूसरी खबर जो ट्रेंड कर रही है वो है हकीकी आज़ादी मार्च। हकीकी आज़ादी मार्च के लिए इमरान खान साहब ने खुद कॉल दी है। उन्होंने पिछले हफ्ते बताया था कि 26 नवंबर को वो पिंडी पहुंचेंगे और अभी उन्होंने अवाम को मुखातिब करके कहा है कि सारे पिंडी पहुंचे, चूँकि वो भी आ रहे हैं और हकीकी आज़ादी मार्च के लिए उनके साथ शाने से शाना मिलाकर खड़े हों। अब इमरान खान साहब की दो चीज़ें थीं जिसमें से एक तो हल हो गई है। एक तो आर्मी चीफ की तायुनाती थी जो कि एक मसला था, वो हल हो गया है। दूसरा है इलेक्शन। इलेक्शन के लिए जहाँ तक जितनी चीज़ों को हमने देखा है या जो हमने गौर व फिक्र किया है या जो हम देख रहे हैं हमारे मुल्क की जो माशी हालत है, उसमें बजट से पहले इलेक्शन होना नामुमकिन है। अगर अप्रैल में इलेक्शन हो जाए तो नई गवर्नमेंट जो आएगी वो बजट कैसे बनाएगी? बजट बनाने के लिए वक्त चाहिए होता है, आपको एनालिसिस करना पड़ता है कि पूरे साल में हम कहाँ खड़े हैं, हमारी इंपोर्ट क्या है, हमारी एक्सपोर्ट क्या है, हमारे पास बैंक में कितना सरमाया रह गया है, हम डिफॉल्टर्स में हैं नहीं हैं, हमारा मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको देख कर बजट बनाया जाता है। तीसरी खबर है हमारे पास जो कि सारे इसमें बड़े इंटरेस्टेड है आजकल, वह है फीफा वर्ल्ड कप 2022। फीफा वर्ल्ड कप नवंबर की 20th को संडे को कतर में शुरू हुआ। बड़ी ज़बरदस्त ओपनिंग सेरेमनी थी, 30 मिनट्स की सेरेमनी थी जिसमें फीफा का जो ट्रैक है वो BTS के जॉन कुक ने परफॉर्म किया उस पर, ड्रीमर्स, और वो खैर बड़ा ही मेसमराइजिंग समा था। बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने इनॉग्रेट किया, उसमें उनके उनकी स्पीच भी थी, जो कतर के जो रहनुमा है, कतर के जो मिनिस्टर है उनकी स्पीच भी थी और उन्होंने सबको बड़ा वार्मली वेलकम किया।
और 32 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। उन्होंने 8 स्टेडियम्स बनाए हैं जो कि बहुत ज़्यादा कैपेसिटी में लोगों को लोग उसमें शामिल हो सकते हैं। इवन जो सेरेमनी थी उसमें 66,000 लोग मौजूद थे और दुनिया भर से लोग आए थे अटेंड करने के लिए, और अभी भी मतलब जोरों शोर से जारी है। फीफा वर्ल्ड कप में बड़े बड़े अपसेट भी हुए। पहले दिन जो कतर और इक्वाडोर का जो मैच हुआ था उसमें इक्वाडोर ने कतर को शिकस्त दी। उसके बाद जो दूसरा मैच था वो था अर्जेंटीना का और सऊदी अरब का। सऊदी अरब ने अर्जेंटीना को शिकस्त दी, बहुत बड़ा अपसेट था। फिर जर्मनी और जापान का हुआ जिसमें जापान ने जर्मनी को शिकस्त दी। और भी कई सारे मैचेस हुए हैं जो कि लोग बड़े जोरों शोर से फॉलो किए जा रहे हैं, और मजीद न जाने कितने अपसेट बाकी हैं। मैच हुआ है पोर्चुगल का और घाना का जिसमें पोर्चुगल ने घाना को शिकस्त दी। इस वक्त दुनिया में जो सबसे बड़े फुटबॉलर्स हैं लायनल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो पोर्चुगल की तरफ से खेल रहे थे और उसमें उन्होंने एक नया ही रिकॉर्ड कायम किया है। वो वाहिद फुटबॉलर हैं इस वक्त जिन्होंने 5 लगातार वर्ल्ड कप के अंदर जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। और इसके अलावा उनका वो 118 गोल को के मतलब ये कल जो उन्होंने गोल्स किए उसमें वो 118 गोल उन्होंने स्कोर कर लिया है। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ थी जो कि देखने में आई है, और भरा हुआ था इंटरनेट, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर तरफ मुबारकबादें दी जा रही थी। और उन्होंने भी जो अपनी स्पीच थी उसमें ये कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि मैंने अपनी टीम का साथ दिया और जो हम चाहते थे, क्योंकि पहले मैच को जीतना बहुत क्रूशियल होता है और हम बहुत खुश हैं कि हमने ये मैच विन किया है। अच्छा, ये जो मैच उन्होंने खेला है इसे 2-3 रोज़ पहले ही मैनचेस्टर यूनाइटेड से जो उनका कॉन्ट्रैक्ट था वो म्यूचुअली उन्होंने ख़त्म किया है, वो एग्रीमेंट ख़त्म किया है। कहा यह जाता है जो थोड़ा बहुत रिसर्च हमने किया है, जो हमने सुना है वो ये है कि सऊदी अरब ने उन्हें ऑफ़र किया था मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइन करने से पहले, लेकिन वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था। अब सऊदी अरब दोबारा गौर कर रहा है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए, तो लेट्स सी क्या होता है। अगली खबर जो है हमारे पास वो है जोंगकुक की। जोंगकुक जो है वो जो ड्रीमर्स, उन्होंने अपना सोलो सिंगल लॉन्च किया जो कि फीफा का 2022 का वर्ल्ड कप का ट्रैक है। वो तो भाई बुलंदियों पे चला गया। वो लॉन्च होते ही इस वक्त वो iTunes पर नंबर 1 पर 102 कंट्रीज में ट्रेंड कर रहा है। Spotify पे नंबर 2 पर है और Spotify पे अराउंड 4.8 मिलियन स्ट्रीम्स हो चुके हैं अब तक। YouTube पर FIFA ने 22 नवंबर को लॉन्च किया था उनका ये ट्रैक, ये सोलो सिंगल और म्यूजिक वीडियो उनकी, और विद इन 14 आवर्स तकरीबन उस पर अराउंड 1.8 मिलियन व्यूज़ आ चुके थे और बढ़ता चला जा रहा है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त उनका गाना गया है और पसंद भी बहुत किया जा रहा है। अब बात करते हैं अगर हम ट्विटर की, तो फिर हम एलॉन मस्क का जिक्र कैसे ना करें। एलॉन मस्क ने ट्विटर परचेज किया $44 अरब में। बड़ा डिस्प्यूटेड भी रहा, पहले वो बैक कर गए थे, उसके बाद वो केस चला है उसमें, फिर उसके बाद उन्होंने वो ख़रीदा और वो ले लिया। अच्छा, उनके लेते ही भाई थोड़ा उधर सेलेब्स ने, सेलिब्रिटीज़ ने अराउंड द वर्ल्ड उन्होंने ट्विटर छोड़ने वाली एक रिवायत कि भाई हम वी आर क्विटिंग ट्विटर, क्विटिंग ट्विटर, एक लंबी लिस्ट बन गई जिसमें बहुत सारे लोगों ने ट्विटर छोड़ दिया। दो एक के नाम जो खासे मशहूर हैं, एक तो एम्बर हर्ट है, उन्होंने छोड़ दिया ट्विटर। जीजी हदीद हैं, उन्होंने छोड़ दिया ट्विटर। लेकिन खैर, एलॉन मस्क को इनकी परवाह नहीं है, वो उनके लिए काउंट नहीं करता। उन्होंने 2-3 बड़ी जदीद नई नई चीज़ें की हैं। एक तो वो लोग जिन्हें ट्विटर से बैन किया गया था उनके अकाउंट उन्होंने रीइंस्टेट कर दिए, जिसमें ट्रंप भी हैं और कुछ और लोग भी हैं। आई थिंक कान्ये वेस्ट का भी उन्होंने बैन किया था, वो भी रीइंस्टेट हो जाएगा नेक्स्ट वीक तक और सो, और लोगों के भी रीइंस्टेट हुए हैं। तो ट्रंप ने तो खैर ये कह दिया कि जी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ ट्विटर में, क्योंकि वो ट्रुथ शेयर के नामी एक ऐप जो उन्हीं के टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट सेक्टर ने बनाई है उसके ऊपर वो कह रहे हैं मैं ज़्यादा एक्टिवली कर रहा हूँ। इसके अलावा उनकी अपनी कंपनी मतलब ट्विटर में उन्होंने बहुत सारे लोगों को ले ऑफ किया। इंडिया में तो ऑलमोस्ट 90% लोगों को ले ऑफ कर दिया था, 90% लोगों को, बल्कि आई थिंक और अपनी कंपनी में और जगहों पे भी बहुत सारे ले ऑफ्स हुए। नई चीज़ें जो उन्होंने कही वो ये कि भाई वर्क आवर्स इंक्रीज़ करने पड़ेंगे। आप
आठ घंटों के बजाय 12 घंटे काम करेंगे, क्योंकि मैं भी इतना ही काम करूंगा, और वर्क फ्रॉम होम हम खत्म कर देंगे। और एक और कुछ और कंडीशंस थी जो कि उन्होंने बाय ईमेल सर्कुलेट की और डेडलाइन दी कि भाई इस डेडलाइन तक आप बता दें कि आप इंटरेस्टेड हैं ट्विटर में नौकरी करने के लिए या नहीं। तो जी उसके ऊपर भाई ये भी आप लोगों ने भी देखा होगा, मैंने भी देखा कि काउंटडाउन स्टार्ट हो गया था, कि लोगों ने काउंटडाउन रिकॉर्ड करके ट्विटर पे डाल दिया था। कहीं नहीं देखा गया होगा कि लोग अपनी रिजाइन करने के लिए काउंटडाउन करें और उसके बाद रिजाइन करें। तो काउंटडाउन स्टार्ट हुआ, बहुत सारे लोगों ने रिजाइन किया, बहुत सारे लोग चले गए। एलन मस्क ने उसके बाद ये कॉमेंट किया कि मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि अच्छा है अच्छे लोग बेस्ट लोग रह गए हैं। एक ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन वेरिफिकेशन का जो था एक सागा, वो भी चलता चला आ रहा था कि जी वो वेरिफिकेशन के लिए जो है आपको वेरीफाइड अकाउंट के लिए $20 अ मंथ पे करना होगा। $20 पे लोगों ने शोर किया, उनके अपने लोगों ने भी उनसे कहा कि ये टू मच अमाउंट है, कम होकर वो $8 पर आ गया। अब वो अपनी जगह बरकरार है। आज के लिए एक नई चीज़ ये है कि जी वो तीन तरह के टिक होंगे जो कि अलहदा होंगे, सिर्फ ब्लू टिक नहीं होगा। यानी जो कंपनीज होगी उनके लिए गोल्डन टिक होगा, जो गवर्नमेंट है उनके लिए ग्रे टिक होगा, जो इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए ब्लू टिक होगा। तो ये वो कह रहे हैं कि जी नेक्स्ट वीक से जो है ये इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि अब ये इसी तरह से जैसे डिफरेंट टिक्स हैं इस तरह से डिफरेंट अमाउंट भी पे करना है या एक ही अमाउंट रहेगा पर मंथ, ये हमें आगे जाके पता चलेगा। एक और जो खबर है वो ये है कि स्माइल तारा की डेथ हो गई। स्माइल तारा एक बहुत बड़ा नाम है शोबिज इंडस्ट्री में, उन्होंने अपने बड़े साल दिए हैं। 50-50 से उनको काफ़ी फेम मिला, 1979 से उन्होंने शोबिज में काम करना शुरू किया और बड़ा लंबा अरसा उन्होंने काम किया, ना सिर्फ थिएटर में, टीवी में, फिल्मों में, सब जगह अपना लोहा मनवाया। उन्हें कई सारे निगार अवार्ड्स भी मिले। उनका कल इंतकाल हुआ है, उनको किडनी प्रॉब्लम था जिसकी वजह से वो 3 दिन हॉस्पिटलाइज रहे हैं और फिर उनका इंतकाल हो गया। पूरी फ्रटर्निटी से लोगों ने कंडोलेंसेस किए, हर जगह मतलब हर सोशल प्लेटफॉर्म पे लोगों के कंडोलेंसेस थे, गवर्नमेंट बॉडी से भी कंडोलेंसेस हुए। हमें भी बेतहाशा इस बात का अफसोस है, अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे और उनके दर्जात बुलंद करें। उनका नाम हमेशा रहेगा बाकी, क्योंकि उन्होंने शोबिज़ इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ किया है। बेसिकली किसी को हंसाना आसान नहीं है, होठों पर मुस्कुराहट लाना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है। 50-50 का शुमार बड़े क्लासिक कॉमेडी शोज़ में होता है, जिसमें जो कि आज तक अगर पीछे से अगर आप हम देखें, अगर रिव्यू करें कि थ्रू आउट जो कॉमेडी सिटकॉम्स चले हैं उसमें अगर आप कहें, अगर हम यार्डस्टिक पे देखें तो 50-50 का शुमार शायद नंबर 2 के, यानी 1, 2, 3 के नंबरों में उनका शुमार होगा। बहुत ही ज़बरदस्त शो था। इसके अलावा हम बात करते हैं आज के एक फिल्म फेयर मिडल ईस्ट नाइट हुई है दुबई के अंदर। फिल्म फेयर अवार्ड शो हुआ है दुबई में, जिसमें पाकिस्तानी और इंडियन दोनों तरफ के सितारों ने शिरकत की। ये फिल्म फेयर अचीवर्स नाइट थी जिसमें अवार्ड मिला है। पाकिस्तान से जिन्हें अवार्ड्स मिले हैं उसमें हुमायूं सईद हैं, सजल अली हैं और फहद मुस्तफ़ा है। और बॉलीवुड से जिन्हें मिला है उनमें चंद एक के नाम हैं, जिसमें रणवीर सिंह है, जानवी कपूर हैं, इसके अलावा हेमा मालिनी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है और भी कुछ लोग हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन एज सच देखने में नहीं आई, यानी बॉलीवुड से भी लोगों ने शिरकत की और लॉलीवुड से भी शिरकत की। और बेसिकली फ़न की कोई हद नहीं है, यानी अगर आप टैलेंट है आपके पास, आपकी परफॉर्मेंस इतनी आउटस्टैंडिंग है तो उसकी रिकग्निशन हर हाल में होगी। आज तक के लिए, अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा है तो आप iNews365 को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें फॉलो कीजिएगा। और हाँ, अपनी राय से आपने ज़रूर आगाह करना है। प्रोग्राम के इख्तिताम पर कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।